हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। द स्केलेटल सिस्टम इज अ सिस्टम विच सपोर्ट्स द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ये एक सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी में बोन का जो फ्रेम होता है उसको सपोर्ट करता है। ओके, और फ्रेमवर्क ऑफ बोन को क्या बोलते हैं? स्केलेटन। देखिए, स्केलेटल और स्केलेटन में डिफरेंस है। स्केलेटल सिस्टम जो है वो एक पूरा सिस्टम है जिसमें हमारे बॉडी की जो सारी हड्डियां हैं, जो हड्डियों का फ्रेम है उसको सपोर्ट करता है जो सिस्टम, वो स्केलेटल सिस्टम होता है। और जो हड्डियों का फ्रेम है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, उसको बोलेंगे स्केलेटन। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? फर्स्ट वन, सपोर्ट। प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द एंटायर बॉडी। स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है। उसके बाद प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड ब्रेन। हमारी बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट, ब्रेन, किडनी, लंग्स, इनको प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट फंक्शन है मूवमेंट। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। स्केलेटल सिस्टम जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज बोन्स। बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जो हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस। जो हड्डियों में मजबूती होती है ना, वो कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से ही होती है। द स्केलेटन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन इज मेड अप ऑफ 206 बोन। एक अडल्ट ह्यूमन बींग के अंदर जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर। टाइप ऑफ बोन्स, अब आप पढ़ेंगे बोन्स के टाइप। लॉन्ग बोन्स, फॉर एग्जांपल जो हमारी थाई की बोन है वो लॉन्ग बोन में काउंट होती है। फिर शॉर्ट बोन्स, शॉर्ट बोन्स जैसे कि आपकी रिस्ट बोन, या फिर आप काउंट कर सकते हैं फिंगर्स की जो आपकी हड्डियाँ होती हैं वो शॉर्ट बोन्स में काउंट होती हैं। फ्लैट बोन्स, फ्लैट बोन्स में आपकी चेस्ट की बोन आ जाती हैं। इरेगुलर बोन्स, इरेगुलर बोन्स जैसे कि आपकी बैक बोन यानी कि स्पाइन, रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज स्टीरअप इन आवर ईयर। हमारी बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? हमारे जो कान की हड्डी है जिसका नाम है स्टीरअप, उसको हम स्मॉलेस्ट बोन में काउंट करते हैं। मेन बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन सिस्टम की जो मेन बोन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? स्कल, रिब केज, बैकबोन एंड लिम्स। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कल। अब हम स्कल के बारे में पढ़ेंगे। स्कल इज होलो राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द हेड। स्कल जो है वो आपके स्केलेटन सिस्टम की मेन बोन है, और ये जो है ये आपके हेड में प्रेजेंट होती है। और जो स्कल होता है वो एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि अंदर से होलो होता है, ठीक है, खाली होता है। स्कल के अंदर ही आपका फिर ब्रेन आता है। स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स इन विच 8 बोन्स फॉर्म स्कल एंड 14 बोन्स फॉर्म फेस। स्कल जो है आपका वो 22 बोन से मिलके बना होता है, जिसमें जो 8 बोन है, 8 हड्डियां हैं वो आपकी स्कल की, जिसमें आपका ब्रेन एरिया काउंट होगा, और 14 बोन्स जो हैं वो आपका फेस एरिया को कवर करती हैं। उसके बाद फंक्शंस ऑफ स्कल। स्कल के फंक्शंस क्या क्या हैं? कवर्स एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये आपके ब्रेन को कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है। गिव्स शेप टू द फेस, आपके फेस को शेप देता है। सपोर्ट्स द टीथ प्रेजेंट इन अपर एंड लोअर जो।
आपके अपर और लोअर जो में टिथ होते हैं उनको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद ऑल बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द लोअर जो। देखिए आपका जो ऊपर वाला जबड़ा है जहाँ आपके ऊपर वाले टिथ हैं उसको अपर जो बोलते हैं, और जो आपकी नीचे वाले टिथ हैं उसको लोअर जो बोलते हैं। तो स्कल की सारी हड्डियाँ फिक्स होती हैं सिर्फ लोअर जो की जो बोन है उसको छोड़ के। बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। आपकी जो बोन है वो 33 स्मॉल बोन से मिलके बनी होती है, और जो स्मॉल बोन है आपकी 33 उनको बोलते हैं वर्टिब्रे, और 33 बोन मिलके क्या बनाती हैं, वर्टिब्रे कॉलम। फंक्शंस ऑफ बैकबोन, बैकबोन के क्या क्या फंक्शंस हैं। प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट इनसाइड द होलो वर्टिब्रल कॉलम। जो आपकी बैकबोन की 33 स्मॉल बोन्स हैं वो मिलके बनाती हैं वर्टिब्रल कॉलम, और उन वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो जाती है, जो आपके जाके ब्रेन से कनेक्ट होती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, बैकबोन का। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर आर बॉडी, बैकबोन जो है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है। हेल्प अस टू स्टैंड बेंड एंड ट्विस्ट, हमें खड़े होने में हेल्प करती है, झुकने में और ट्विस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद रिब केज, द बोनी केज प्रेजेंट इन द चेस्ट इज कॉल्ड द रिब केज। जो हड्डियों का पिंजरा हमारी छाती में चेस्ट में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं रिब केज। रिब केज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ थिन कर्व बोन्स कॉल्ड रिब्स। रिब केज 12 पेयर ऑफ थिन कर्व बोन्स से मिलके बना होता है, ठीक है। रिब केज के अंदर आपके लंग्स कवर होते हैं। रिब केज के अंदर आपकी देखिए कौन कौन सी बोन्स इंक्लूड होती हैं। स्टर्नम, लॉन्ग फ्लैट बोन प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, उसको क्या बोलेंगे, स्टर्नम। एक लंबी फ्लैट बोन जो कि आपके चेस्ट के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। उसके बाद ट्रू रिब्स, फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्टर्नम। जो आपके रिबकेज के फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब हैं, जो आपके फर्स्ट 7 रिब्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं स्टर्नम से, ठीक है, इसलिए उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। और उसके अलावा जो 5 पेयर बच गए रिब्स के उनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स, ठीक है। फ्लोटिंग रिब्स, लोएस्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट कनेक्टेड टू द स्टर्नम। फॉर एग्जांपल दिस, जो आपके रिब केज के जो सबसे नीचे के 2 पेयर होते हैं रिब्स के वो स्टर्नम से डायरेक्टेड कनेक्टेड नहीं होते, इसलिए उनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। देखिए मैंने कुछ ये इस टाइप का डायग्राम बनाया है रिब केज का। सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये बहुत ही रफली सा फिगर है आपको आइडिया देने के लिए कि ये बीचों बीच में जो फ्लैट बोन है ये स्टर्नम है, और ऊपर के जो आपके 5 पेयर्स हैं रिब्स के 1, 2, 3, 4, 5 जो डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड होते हैं इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं, और नीचे के जो आपके 2 पेयर हैं रिब्स के वो कनेक्टेड नहीं है स्टर्नम से, इसलिए उनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। लिम्ब्स, ह्यूमन बींग्स हैव 4 लिम्ब्स, 1 पेयर ऑफ फोर लिम्ब्स कॉल्ड आर्म्स, 1 पेयर ऑफ हिंड लिम्ब्स कॉल्ड लेग्स। ह्यूमन बींग के अंदर 4 लिम्ब्स होते हैं। 1 पेयर जो है वो आपका कौन सा है, आपकी जो आर्म्स हैं, आपके जो दोनों हाथों की हड्डियां हैं उनको बोलते हैं 4 लिम्ब्स, ओके। आपके जो शोल्डर से लेके जहाँ पे आपका जॉइंट है शोल्डर का वहाँ से लेके, और आपकी फिंगर्स भी उसमें इंक्लूड होंगी, वहाँ तक की जो आपकी बोन कनेक्टेड होती हैं उनको 4 लिम्ब्स बोलते हैं। और जो आपकी लेग की बोन्स हैं
थाई से लेके नीचे तक आपके टो तक वो आपकी होती हैं हिंड लिम्स। ठीक है, तो फोर लिम्स में देखिए आपकी कौन कौन सी बोन्स आती हैं। फोर लिम्स में आपकी ह्यूमरस, उसके बाद एल्बो, अल्ना और रेडियस। ह्यूमरस हो गई आपकी एल्बो से ऊपर की हड्डी, ठीक है, और उसके बाद आपका एल्बो, और फिर एल्बो जो है वो आपकी ह्यूमरस, और ये नीचे की जो दो हड्डियां हैं अल्ना और रेडियस, जो कि आपके एल्बो से नीचे रिस्ट तक आपकी कलाई तक जो हड्डियां दो होती हैं अल्ना और रेडियस, इनके बीच में जो कनेक्शन होता है वो एल्बो से होता है। ठीक है, हिंड लिम्स, हिंड लिम्स में जो आपकी थाई की बोन है वो फीमर होती है, उसके बाद आपकी थाई की बोन और नीचे फिर आपकी जो पैर है उसमें आपकी दो हड्डियां होती हैं, दो बोन होती हैं टीबिया और फिब्यूला। तो फीमर और इन दो हड्डियों का जहाँ पे जॉइंट होता है उसको बोलते हैं नी। फोर लिम्स हेल्प इन लिफ्टिंग थिंग्स, ओके, ये फोर लिम्स का फंक्शन था। उसके बाद हिंड लिम्स हेल्प अस टू वॉक, मूव एंड रन। हिंड लिम्स जो हैं आपकी जो पैर की बोन्स हैं वो आपको हेल्प करती हैं वॉक करने में, मूव करने में, रन करने में, और आपकी जो हाथ की हड्डियाँ थी, फोर लिम्स थी, वो आपको चीज़ों को पकड़ने में, लिफ्ट करने में हेल्प करती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।